मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वर्ब, तो आप क्या बोलोगे? बचपन में आपने एक डेफिनेशन सीखा होगा कि डूइंग वर्ड्स, डूइंग या एक्शन वर्ड्स, ये सीखा है ना, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ओके, जो भी वर्ड से किसी क्रिया का बोध हो, जो भी वर्ड से कोई एक्शन का पता चले, उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपका सही है, बट ये बचपन वाला है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ज़रूरी नहीं है ना कि वर्ब से सिर्फ एक्शन का ही पता चले, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन नहीं बताता है बट फिर भी वो क्रिया है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब्स वो वर्ड होते हैं ना जो एक्शन भी बताता है, साथ में स्टेट भी बताता है। और वर्ब हम पोजेशन, मालिकाना अधिकार बताने के लिए भी यूज करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वर्ब होता क्या है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं रहूँगा। तो वर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है? कि सब्जेक्ट ने क्या किया, या सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया, या सब्जेक्ट क्या पोजेस कर रहा है, या सब्जेक्ट का स्टेट क्या है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब अवस्था या मालिकाना अधिकार पोजेशन भी बता सकता है।